चलिए आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी आता है। एंड इसका नाम है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स। ऑलराइट, हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स। सो ये कैसे करते हैं? मैं आपको इसका कंप्लीट मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे कार्बोकेटायन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, एरो मार्किंग्स, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अल्कीन्स लेंगे। लेट अस से हमने लिया प्रोपीन। ओह सॉरी, हमने लिया प्रोपीन। हम ये जानते हैं बेटा कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सो पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है और ये शिफ्ट हो जाता है, वेदर इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड कार्बन और वेदर इट इज टुवर्ड्स राइट साइड कार्बन। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी। चलिए हम देख लेते हैं। सी व्हाट इज दिस ग्रुप, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस कार्बन, इसलिए इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने लगेगी। सो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन। जैसे इसकी शिफ्टिंग हुई, दिस पर्टिकुलर सिस्टम, दिस पर्टिकुलर अल्कीन हैज टर्न्ड लाइक दिस। देखिए CH3 CH। नाउ अब शिफ्ट हो गया पाई बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड बचेगा एंड इट इज CH2। एंड इन पे अब चार्जेस आएंगे। देखिए जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले गए, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। एंड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से दूर गए हैं, तो इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। अब दिस पर्टिकुलर सिस्टम विल बी अटैक्ड बाय H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब H2O मॉलिक्यूल्स, हमने क्या लिखा, एसिडिक हाइड्रेशन, तो H2O मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमारे पास क्या होने चाहिए, H प्लस आयन्स। ऑलराइट, अब देखिए ये H प्लस आयन्स, क्योंकि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, इट फर्स्ट अटैक्स हियर। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, हमें देखिए क्या प्रोडक्ट मिलता है, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH3, देयर बाय ऑब्टेनिंग अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन का रिएक्शन होगा किसके साथ, H2O के साथ। अब देखिए H2O के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस, एंड ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर। ऑल राइट, और यही लोन पेयर, लेट अस से ये वाला लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन। क्यों? बिकॉज लोन पेयर आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ऑल राइट, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज अ कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर इजीली अटैक होगा। सो देखिए जब कार्बोकेटाइन पे अटैक हो जाता है, तो ये एक इंटरमीडिएट बनाता है CH3 CH CH3, ये तो हमारा बेसिक कंपाउंड था। अब इस कार्बन पे अटैचमेंट हो गया किसका, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन जब अटैच होंगे, तो साथ में ये दो हाइड्रोजन्स भी होंगे, बट अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन की तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं। जब ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड्स बनेंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन विल बी हाईली अनस्टेबल, एंड हेंस इट एक्वायर्स अ
सिंगल पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब सोचिए जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर ये अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए कुछ तो करेगा, और इसलिए वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और फाइनली ये H+ आयंस रिलीज हो जाते हैं. सो देखिए अब हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा, हमें मिलता है CH3. अब सी, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन ने ले लिए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, दैट मीन्स अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नाउ लाइक दिस, एंड रिलीज क्या हो गया, माइनस एच प्लस. तो ये एच प्लस रिलीज जो हुआ है बेटा, दिस वन, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने H+ का अटैक भी कराया था? तो H+ का अटैक एंड H+ का रिलीज, इट इज टोटली बैलेंस्ड एंड हेंस इट इज नोन एज अ कैटलिस्ट. इसीलिए इसका नाम है एसिडिक हाइड्रेशन. एक्चुअली हमें ऐड करना है वाटर ही, जो यहां पे हमने ऐड किया, लेकिन H+ की प्रेजेंस में. ऑलराइट, सो इस तरह से हमें मिल जाता है अल्कोहल. राइट, दिस इज अल्कोहल. Understood? ये सबसे छोटा तरीका है चीजों को समझने का. ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, एंड दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. ओके, टिल देन थैंक यू.